Hello little kids, how are you? I hope you all are very good, fit and fine. So today we are going to starting a unit number 8 in English Mary Cole. Here we are going to starting a one new story. The name of the story is My Silly Sister. Okay, what is the meaning of My Silly Sister? सिली सिस्टर का मतलब होता है बुद्धू सिस्टर, जिसके अंदर कुछ समझ नहीं होती, या फिर उसे हम कह सकते हैं ना समझ बोली, जो बोला पर्सन होता है ना, दैट इज कॉल्ड अ सिली मैन. ओके, और यहाँ पे स्टोरी हम रीड करने वाले हैं माय सिली सिस्टर, मतलब मेरी एक बुद्धू सी सिस्टर. ओके, सो हियर वी आर गोइंग टू स्टार्टिंग विद द फर्स्ट लाइन. मदर योर बेबी इज सिली, शी इज सो वेरी चाइल्डिश. यहाँ पे हम दो, एक भाई और एक उसकी छोटी सी बहन की स्टोरी के बारे में रीड करने वाले हैं. और ये भाई है ना, उसकी जो छोटी सी बहना है ना, सिस्टर सिस्टर, वो बहुत ही ना समझ है, वो बहुत ही सिली है, बुद्धू सी है. तो उसकी कंप्लेंट वो अपनी मम्मी के साथ कर रहा है. तो क्या क्या कंप्लेंट करता है, चलो पढ़ते हैं. मदर योर बेबी इज सिली, शी इज सो वेरी चाइल्डिश. वो अपनी मम्मा को कहता है, मम्मा ये आपकी लड़की है ना, ये बहुत ही बुद्धू है. शी इज सो वेरी चाइल्डिश, वो बच्चों जैसी हरकतें करती रहती है. शी डज नॉट नो द डिफरेंस बिटवीन द लाइट्स इन द स्ट्रीट्स एंड द ब्राइट स्टार. उसको ये भी नहीं पता मम्मा कि ये जो सन के ये जो स्टार्स होते हैं, ब्राइट स्टार मतलब स्टार्स की लाइट, और जो हमारे रास्तों के ऊपर जो स्ट्रीट लाइट होती है, वो दोनों अलग है. उन दोनों के बीच, उन दोनों के अंदर से जो लाइट्स आती है वो बहुत ही डिफरेंट है. तो आसमान के स्टार्स अलग है और हमारी स्ट्रीट की लाइट अलग है, तो इतना छोटू सा डिफरेंस भी इसको नहीं पता, कितनी बुद्धूसी है. When we play with pebbles, she thinks that they are real food. She even tries to put them into her mouth. और वो कहता है, मम्मा जब हम पेबल्स के साथ खेलते हैं ना, आपको पिक्चर के अंदर दिख रहा होगा, दैट इज़ अ पिक्चर ऑफ पेबल्स, जो छोटे छोटे स्टोन्स होते हैं जो बहुत ही स्मूथ सरफेस के होते हैं. तो वो अपनी मम्मा को कहता है कि जब भी हम पेबल्स के साथ खेलते हैं ना, तो वो पेबल्स को अपना एक रियल फूड मतलब कि अपना खाना समझने लग जाती है, और उसको भी कभी कभी अपने मुँह के अंदर रख देती है और उसको खाना स्टार्ट करती है. When I open a book before her and ask her to learn her ABC, she tears the pages with her hands and roars with joy at nothing. वो कहता है, मम्मा जब भी मैं उसके पास बुक लेके जाता हूँ और उसको कहता हूँ कि चलो पढ़ाई करो, ABC इस प्रकार से आप इसको प्रोनाउंस करो, she tears the pages. वो जल्दी से मेरे बुक के पेज को फाड़ देती है और एंड उसको हवा में उड़ा देती है. एंड रोर विथ जॉय एट नथिंग, और जोर जोर से फिर हंसती है जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं है. दिस इज योर बेबीज वे ऑफ डूइंग अ लेसन, क्या आपकी बेटी का ये तरीका है पढ़ने का मामा? देखो ना ये कितनी सिली सी है. नाउ नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 82. व्हेन आई शेक माय हेड एट हर एंगर In anger and scold her or call her naughty, she laughs and thinks that it's great fun. कि मामा जब भी मुझे गुस्सा आ जाता है ना, मैं उससे परेशान हो जाता हूँ, तो मैं अपने सर के ऊपर हाथ रख, गुस्से में अपने सर के ऊपर हाथ रखता हूँ, या फिर उसके सामने गुस्से में उसको कुछ कहता हूँ ना, स्कोल्ड करना मतलब गुस्से में कुछ कहना, उसको मैं स्कोल्ड करता हूँ, मैं उसको डांटता हूँ, और अगर मैं उसे यही कहता हूँ ना, तू बहुत ही शैतान है, बहुत ही शरारती है, तो ये उसको, ये मेरे सामने देखती भी नहीं है और मेरे सामने हंसती है जोर जोर से, तो इसको इतना भी नहीं पता चलता कि मैं उसको डांट रहा हूँ, ये तो मुझे डांटने को भी उस मजाक समझ के बैठी हुई है. एवरीबडी नोज दैट द फादर इज अवे, बट समटाइम्स आई कॉल आउट फादर प्लेफुली. सबको पता है मम्मा कि पापा घर पे नहीं है, वो बाहर काम पे गए हुए हैं. बट समटाइम्स आई कॉल आउट फादर प्लेफुली, बट कभी कभी मैं मजाक में कह देता हूँ ना, प्लेफुली का मतलब होता है मजाक में, तो कभी कभी मैं मजाक में कह देता हूँ ना, पापा आए. शी लुक्स क्विकली अबाउट हर इन एक्साइटमेंट एंड थिंक्स दैट फादर इज नियर. तो वो जल्दी से पीछे घूमती है और कहती है, पापा कहाँ हैं. मतलब इतनी पागल है कि मैं मजाक कर रहा हूँ तो मजाक भी नहीं समझ पाती, और पापा को वो ढूंढना स्टार्ट कर देती है, जैसे कि पापा उसके पास ही हो, फादर इज दैट लाइक नियर. समटाइम्स आई होल्ड अ क्लास विद रॉन्टीज दैट अवर वॉशरमैन ब्रिंग्स टू कैरी अवे द डर्टी क्लोथ. कभी कभार मम्मा जब भी मैं क्लास मतलब कि ये डोंकी आपको दिख रहा है, एक ये डोंकी किसका है, वॉशरमैन का है, जो कपड़े धोने का काम करता है, जिसे हम धोबी कहते हैं. तो वो ये वॉशरमैन हमेशा अपने साथ डोंकी लेके आता है, तो ये डोंकी की जब डोंकी की मैं क्लास लेता हूँ, मतलब उनके साथ जब ये खेलते हैं, डोंकी क्या बन जाता है, स्टूडेंट बन जाता है, और ये जो लड़का है ये क्या बन जाता है, ये स्कूल मास्टर बन जाता है, जिसे हम टीचर कहते हैं. तो वो जब डोंकी को वो पढ़ाता है ना, सो आई एम द स्कूल मास्टर एंड दैट सी बेटर नॉट मेक एनी नॉइस. तो उस समय वो डोंकी भी आवाज़ नहीं करता, और ये जो मेरी छोटी सिस्टर है ना, उसको भी मैं कह देता हूँ
चुप हो जाओ, मैं अभी हेड मास्टर हूँ, मतलब कि मैं स्कूल मास्टर हूँ। ओनली देन सी कीप्स क्वाइट, और तभी ही वो चुपचाप थोड़ी सी चुपचाप बैठी रहती है। आई इंस्टेंट दैट सी कुड कॉल मी दादा, और मैं हमेशा उसको फोर्स करता हूँ कि वो मुझे दादा कह के बुलाए। दादा मीन्स बंगाल में जिसे बड़े भाई को हम दादा कहते हैं ना, इन दैट वे दे कॉल मी टू दादा। योर बेबी वॉन्ट्स टू कैच द मून, सी इज रियली फनी। योर बेबी वॉन्ट्स टू कैच द मून, आपकी बेबी इतनी सिल्ली है ना कि इसको तो ये मून को कैच करना है, मतलब मून को पकड़ना है। सी इज रियली फनी, ये कितनी फनी है। मदर योर बेबी इज सिल्ली, सी इज सो वेरी चाइल्ड इज मदर। योर बेबी, आपकी बेबी बहुत ही बुद्धू सी है, अभी भी इनको बच्ची जैसी ही हरकतें सूझ रही है, राइट। सो दिस स्टोरी इज रिटन बाय रविंद्रनाथ टैगोर, एंड वी ऑल अवेयर अबाउट रविंद्रनाथ टैगोर, राइट। ही इज अ फर्स्ट इंडियन हु रिसीव अ नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर, राइट। एंड ऑल्सो ये रविंद्रनाथ टैगोर है ना, ये वही पर्सन है जिन्होंने हमारे नेशनल एंथम को लिखा है। इन्होंने ओनली ये हमारे नेशनल एंथम, इंडियन नेशनल एंथम को ही नहीं लिखा, इन्होंने बांग्लादेश, श्रीलंका, अलग अलग कंट्रीज़ के नेशनल एंथम भी रविंद्रनाथ टैगोर ने ही लिखे हैं। और आपको पता है रविंद्रनाथ टैगोर इतने बड़े हैं कि इनको नोबेल प्राइज़ मिला है, वर्ल्ड का बेस्ट प्राइज़ अवार्ड जिसे हम कहते हैं, राइट। सो दिस इज द स्टोरी अबाउट माई सिली सिस्टर। आप बहुत ही लकी हो कि आपको रविंद्रनाथ टैगोर की स्टोरी रीड करने को मिल रही है। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू एंडिंग हियर, बाय बाय, टेक केयर।